गाइस वेलकम टू बॉलीवुड कलर इंस्टा लाइव और मैं हूं रूपाली आपके साथ और एक बार फिर हम आपके साथ लाइव हैं और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। हम बात कर रहे हैं आनंदी, मतलब सबकी फेवरेट रही हैं आनंदी। और तो हम अभी कुछ ही देर में अविका के साथ लाइव आने वाले हैं, अविका गौर के साथ। और क्या बात करें अविका के बारे में, मतलब सबके जहन में कहीं ना कहीं आनंदी का जो कैरेक्टर था वो सबके जहन में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और आनंदी के साथ, अविका के साथ, तो आपके कुछ भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी उनसे पूछना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट करिए। हाय, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? आई एम गुड, सो लुकिंग सो क्यूट, छोटी आनंदी। थैंक यू सो मच। तो गाइस आज हमारे साथ है, मैं क्या बोलूंगी, छोटी आनंदी आज हमारे साथ है क्योंकि आनंदी अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में कहीं ना कहीं एक जुड़ाव रखती है। सो वेलकम टू बॉलीवुड कलर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड लोगों ने हमेशा आनंदी को तो प्यार दिया ही है और मुझे भी अभी भी प्यार दिया है क्योंकि मैं जितने भी कैरेक्टर्स करती हूँ लोग कनेक्ट कर पाते हैं बिकॉज आनंदी उनसे उनकी बहुत प्यारी रही है। सो आई एम रियली ग्लैड। सो अभी का हम बात कर रहे हैं, अगर बालिका वधू दोबारा इतने सालों बाद री टेलीकास्ट हो रहा है तो कैसा लग रहा है आपको? मैं नर्वस भी हूँ बहुत ज्यादा क्योंकि पता नहीं इस बार फिर से लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। पहले जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो बहुत ही अमेजिंग रहा है। बालिका वधू ने लाइफ चेंज की है मेरी, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट शो, द मेकर्स, द क्रिएटर्स जिन्होंने ये सोचा कि शो को वापस लाया जाए। आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड। तो अभी देख रहे हो आप शो? देखते हो अभी? बिल्कुल देखती हूँ एंड देख के बस हंसती रहती हूँ कि यार ये कैसे बात कर रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ। सो इट इज फनी, लेकिन आई एम रियली ग्लैड दिस इज हैपनिंग क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिन्होंने बालिका वधू के बाद वो पैदा हुए हैं वो नहीं देख पाए हैं। सो उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो देख पाएंगे। बिल्कुल। और क्या है ना, जैसे आप आनंदी का उस टाइम क्या रहता था, आनंदी रोती थी तो लोग भी रोना स्टार्ट कर देते थे, आनंदी हंसती थी तो लोग बहुत, वो कहीं ना कहीं जुड़ाव हो गया था लोगों को आनंदी से। आई थिंक जो राइटर्स ने आनंदी का कैरेक्टर लिखा था वो इतना स्पेशल, इतना इनोसेंट था कि किसको भी प्यार हो जाता। एंड आई एम रियली ग्लैड कि लोगों ने इतना प्यार दिया, हमेशा हमेशा इतना सपोर्ट दिया और आज भी जब लोग आनंदी कहते हैं बहुत प्राउड फील होता है। तो अभी भी कहीं आपके सेट्स पे या किसी पे आनंदी के नाम से आपको जाना जाता है या आपको अविका ही बोलते हैं? अविका ही बोलते हैं काफी ज्यादा लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं, लेकिन जब मैं फैंस के साथ इंटरेक्शन करती हूँ या किसी इवेंट पर जाती हूँ जहाँ ढेर सारा क्राउड होता है वो डेफिनेटली आनंदी कहते हैं। तो अविका अगर बात करें, क्वारंटाइन चल रहा है तो आप क्या कुछ कर रही हैं लॉकडाउन में, कैसे दिन की शुरुआत कैसे करती हैं? मैं बहुत सारा वर्कआउट कर रही हूँ, मैं ढेर सारी वॉकिंग कर रही हूँ, कुकिंग, क्लीनिंग, सारा घर का काम ऑफ कोर्स। एंड उसके अलावा मैं डांस बहुत कर रही हूँ, एक्टिविटीज के लिए मैं मंडला ड्राइंग्स कर रही हूँ, आई एम गेटिंग बैक टू माई सिंगिंग प्रैक्टिस। सो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कर रही हूँ आजकल, इट इज डेफिनेटली कीपिंग मी बिजी। एंड मैं बस खाली नहीं बैठना चाहती, मैं नहीं बैठ सकती, बहुत पहले से काम करना शुरू किया है मैंने तो आदत सी है बाहर जाना काम करना, लेकिन थोड़ा सा सैड भी फील होता है कि यार ये जल्दी खत्म हो जाए, बाहर जाए काम करे वापस, बट तब तक के लिए आई एम कीपिंग माई सेल्फ एंटरटेन्ड। एंड आई हैव सीन योर सॉन्ग आल्सो जो आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, कौन सा वाला इट वाज सॉन्ग? अमेजिंग, आपने गाना गाया था ना, बालिका ओके, ही गाना गाया था। ऑफ कोर्स थैंक यू। एंड फैंस आर आस्किंग आल्सो टू सिंग टू लाइंस फॉर देम। श्योर श्योर, व्हाई नॉट, हियर यू गो। छोटी सी उम्र परणाई रे बाबो सा करियो थारो कई मैं कसूर, हो ये तेरा दिन तू मानी लाड लड़ायो अब क्यों करो माने ही बड़े सदू।
वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी आवाजें आती है। थैंक यू अभी थैंक क्या है यू, ना, आप मतलब मेरे मुंह से ना अभी का तो निकल ही नहीं रहा, आनंदी ही निकल रहा है बार नो बार, तो मैं प्रॉब्लम नो आनंदी प्रॉब्लम, बोलती हूँ आपको। मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा हाँ, अच्छा आनंदी, अगर हम बात करें अविका और आनंदी, मतलब दोनों को तो क्या स्पेशलिटी थी, या मतलब क्या ऐसा, अगर सिमिलरिटी क्या थी दोनों की? आई थिंक जो वो बात करने का तरीका, वो सवाल पूछना ढेर सारे, वो सब एग्जैक्टली मैं जैसे बात करती थी या सवाल पूछती थी एग्जैक्टली सेम था। एंड आई थिंक इसीलिए शायद लोगों को अच्छा पसंद आया, क्योंकि मैं वहाँ एक्टिंग नहीं कर रही थी, आई वॉज जस्ट बींग माई सेल्फ, वो नेचुरल लगता था। एंड या जब मैं देख रही हूँ तो मैं लिटरली ऐसे मुंह छुपा रही हूँ, माई गॉड आई एम फीलिंग शाई, कैसे बात करती थी मैं, बट इट वॉज ऑल वेरी नेचुरल टू मी देन। एंड बालिका वधु का जो कैरेक्टर आनंदी, आई एम ग्लैड मुझे मिला, क्योंकि आई कुड रिलेट टू आनंदी बहुत ही ज्यादा। मतलब बात करने का तरीका, या फिर जो यू नो जो अपब्रिंगिंग थी आनंदी की भी, कि यू नो बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, और यू नो वही मस्ती, सब कुछ एग्जैक्टली बिल्कुल सेम था। और अगर बात करें बालिका वधू के सेट्स की और दूसरे सेट्स की, तो बहुत डिफरेंट भी रहा होगा ना, क्योंकि तब आप छोटे थे बहुत, तो बहुत पैम्परिंग रहा करता होगा। मुझे हर सेट पे पैम्पर किया जाता है, क्योंकि हर सेट पे आई एम ऑलवेज द यंगेस्ट, तो हर बार वही होता है कि यू नो अविका है तो मतलब शी इज द यंगेस्ट, तो उसको पैम्पर करो, तो ये पैम्परिंग तो हर बार मिली ही है, एंड आई एम ग्लैड। तो अभी और क्या कुछ कर रही हैं लॉकडाउन में? कुकिंग करते हो आप अभी का? जी, आई कुक ऑल द मील्स फॉर माय फैमिली। वाह, तो क्या पसंद है, कौन सी डिश पसंद है, या क्या सबसे ज्यादा कुक करते हो अभी? मैं खाने के लिए, मुझे आलू बहुत पसंद है, लेकिन रोज आलू तो खा नहीं सकते, नॉट वेरी हेल्दी, तो मेरा तो वही सैलेड वैलेड चलता रहता है, मैं फ्रूट्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। रही बात मेरे पेरेंट्स के लिए, उनकी मील्स तो आई ऑलमोस्ट कुक एवरीथिंग, लाइक बेसिक इंडियन खाना जो होता है वो सब तो कर ही लेती हूँ। एंड अभी नया नया मैंने थेपला बनाना सीखा है, अरे और वाह, ढोकला भी बनाया था मैंने और मॉम ने एक दिन, सो आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, बहुत टाइम जो है। ओके। अच्छा, अगर हम आनंदी के कैरेक्टर की बात करें, तो एक बचपन में जो आपने कैरेक्टर निभाया, तो वो मतलब कहीं ना कहीं अभी तक आपके दिल और दिमाग में या जहन में रहता है वो कैरेक्टर, क्योंकि वो बचपन का था और बहुत इमोशनल और सारी चीजें, आपका पूरा बचपन उसी से जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं भी आप कुछ भी शूटिंग करती हैं, या किसी शो की शूटिंग या कोई मूवी करती हैं, तो वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैं जिस शो के लिए या जिस मूवी के लिए शूट तब कर रही हूँ इन द मोमेंट, मेरे को उसके अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं आता दिमाग में। एंड रही बात आनंदी की, तो हाँ वो डेफिनेटली बहुत स्पेशल है और स्पेशल रहेगा। एंड मेरी लाइफ लिटरली उस कैरेक्टर की वजह से बदल गई, एंड उस शो की वजह से मुझे बहुत कुछ मिला। लेकिन आई ऑल्सो हैव टू मेंशन कि वो शो सिर्फ 2 साल चला, एंड उसके बाद जो मैंने ससुराल सिमर का किया, वो 5.5 साल किया मैंने, तो वो और वो बहुत कैरेक्टर, पसंद किया लोगों ने कैरेक्टर भी। या तो वो जो कैरेक्टर था रोली का ससुराल सिमर का में, वो मेरे लिए व्हाट डू यू कॉल, वो ज्यादा मेरे दिमाग में फ्रेश है, क्योंकि एक तो वो बालिका वधू के बाद हुआ था और काफी ज्यादा सालों चला था वो, सो मेरे लिए वो ज्यादा व्हाट यू कॉल याद आता है मुझे मेमोरी वाइज। पर बालिका वधू ऑब्वियसली मुझे कुछ कुछ चीजें तो डेफिनेटली याद है, वो मैं कभी नहीं भूलने वाली। तो आप अभी तेलुगु फिल्म्स भी और कन्नड़ भी मूवीज की हैं आपने, है ना, तो कैसा एक्सपीरियंस था? अलग, क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज में काम करना, एक्टिंग करना जो आपको बिल्कुल नहीं आती, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड मेरे लिए तेलुगु और कन्नड़ा, मेरे लिए तो दोनों सेम ही है, मैं मुंबई से हूँ, गुजराती बात करती हूँ घर पे, मेरे लिए साउथ इंडियन है साउथ इंडियन। लेकिन जब मैंने मूवीज करना शुरू किया, मुझे पता चला कि हर लैंग्वेजेस में कितना ज्यादा फर्क होता है, प्रोनाउंसिएशन में, डायलेक्ट में, हर चीज में बहुत फर्क होता है। एंड आई मेड श्योर दैट यू नो जो मेरे कैरेक्टर हो उसकी उसकी मैं अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि एक यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को यही लगता है कि यू नो साउथ इंडियन मूवीज में ऐसा होता है कि ABCD बोल लो, लिप सिंक अपने आप बाद में डबिंग पे हो जाता है, वैसा नहीं होता। द फैक्ट इज आई हैव टू रिमेम्बर बाय हार्ट ऑल द डायलॉग्स,
सही टाइम पे सही पॉजेस, सही प्रोनाउंसिएशन, कहाँ वॉइस मॉड्यूलेशन है, किस तरीके का है. देर इज अ लॉट दैट गोज इन यू नो डूइंग समथिंग लाइक दिस, बिकॉज ये कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है. यू ऑलवेज नीड द राइटर्स या डायरेक्टर का हेल्प कि वो आपको बताए कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है. सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग दैट आई एम डूइंग, बट आई एम नाउ कम्फर्टेबल विद इट. अभी थोड़ा सा कम्फर्ट आ चुका है एंड आई एम एंजॉइंग दिस. ग्रेट. तो टीवी शोज और इसमें तो बहुत डिफरेंस रहा ना, आप जिस कन्नड़ और उसमें मूवीज कर रहे हैं और हिंदी टीवी शोज जो अपने रहते हैं, थोड़ा सा काफी डिफरेंस हो गया फिर इसमें. बहुत बहुत ज्यादा. हिंदी में क्या होता है ना, अगर आपको एक डायलॉग मिलता है, आपको पता है कि आप थोड़ा बहुत चेंज करके, इम्प्रोवाइज करके, अपने हिसाब से थोड़ा उसको अपना बना सकते हो. यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इसके ऑल्टरनेट वर्ड्स क्या है. सो आई हैव टू लाइक लिटरली जस्ट बाय हार्ट इट एंड से इट. सो इट इज वेरी डिफरेंट. एंड या मेकिंग वाइज अगर आप देखो तो वही पैशन वहां भी है और यहाँ भी है. तो वो तो हर टीम की जो हार्डवर्क होती है, वही पैशन के साथ सारे लोग दिन रात लगे रहते हैं कि एक प्रोजेक्ट अच्छा बने. दैट इज वेरी वेरी सिमिलर. तो आप कलर्स की ज्यादातर सारे शोज कर चुके हैं, तो एक अभी रिसेंटली आपको खतरों के खिलाड़ी में देखा गया था, हाउ वाज एक्सपीरियंस? खतरों के खिलाड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, और मैं तो हर एक्टर जो भी मेरे दोस्त हैं उन सबको कहती हूँ कि ये तो लाइफ टाइम में एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए. एक ऐसा शो जहाँ पे आपके यू नो सारे डर आपके सामने आते हैं. एंड आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में खतरों के खिलाड़ी हुआ जब मैं सिर्फ 21 साल की थी. तो अगेन आई वॉज द यंगेस्ट, एंड उस एज में वो एक्सपीरियंस लेना मेरे लिए आई थिंक बहुत बड़ी बात थी. आई एम वेरी हैप्पी आई डिड दैट शो. आई थिंक वी कैन टेक सम कमेंट्स आ रहे हैं फैंस के, कुछ श्योर लेते श्योर हैं थोड़ा श्योर. सा. Somebody is asking कि अभी हम बॉलीवुड में कब देखने वाले हैं आपको? आई हैव ऑलरेडी शॉट फॉर समथिंग, यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल. और थोड़ा सा रुक जाइए, लॉकडाउन के बाद में भी आई विल बी एबल टू अनाउंस. ओके. ससुराल सिमर का आई लव यू, आई थिंक ससुराल सिमर का जो रोली का कैरेक्टर था वो बहुत पसंद किया था फैंस ने, बहुत पसंद आया था लोगों को. वो आई थिंक इसलिए क्योंकि वो बहुत रिलेटेबल था सबको. वैसा या तो वो वैसे कॉन्फिडेंट थे या उन्हें वैसा बनना था जो अपनी फैमिली के लिए, अपनी दीदी के लिए कुछ भी कर दे. तो अभी आप अभी का मुंबई में है? नहीं, मैं हैदराबाद रहती हूँ. अच्छा, अगर हम बात करें बिग बॉस 13 की, तो बिग बॉस 13 देखा था आपने इस बार? नॉट रियली, मैंने सिर्फ जो सोशल मीडिया पे वीडियोस होते हैं, आई थिंक दैट्स ऑल आई वॉच्ड. एपिसोड्स देखने का सो इफ कुछ मूड नहीं आई था. ओके तो इफ आई टॉक अबाउट सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ, क्योंकि सिद्धार्थ के सिन्हा पहले काम कर चुके हैं, तो सिद्धार्थ और शहनाज की आपको जोड़ी कैसी लगती है? मैंने सिद्धार्थ के साथ काम नहीं किया, हम एक शो में जरूर थे लेकिन मेरी एग्जिट के बाद वो आए थे. तो इट वॉजेंट हाँ, आनंदी जब बड़ी हो गई थी तब वो आए थे. लेकिन हाँ, आई नो हिम, आई हैव मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स. पर्सनली तो नहीं जानती मैं उन्हें, लेकिन बहुत एंटरटेनिंग था उनका और शहनाज का जो भी केमिस्ट्री था, और उनका जो गाना भी अभी आया, आई थिंक उनके फैंस ने उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया है. एंड दैट्स अमेजिंग. एंड देर इज अभी सॉन्ग भी आया है भुला दूंगा सॉन्ग, वो देखा आपने, कैसा लगा ऑफकोर्स आपको? ऑफकोर्स, आई लव्ड इट. आई सी दे आर टू अगेन वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज इंडिविजुअल्स. और शहनाज जिस तरीके की है, बहुत ही बबली, ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, तो उनको स्क्रीन पे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है. एंड सिद्धार्थ बींग सच अ यू नो सच अ गुड एक्टर, आई थिंक उनकी केमिस्ट्री बहुत सही लगती है ऑन स्क्रीन. तो अभी आपके और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? फॉर अभी तो नाउ आपने बॉलीवुड में बताया है कि इट विल बी कमिंग आफ्टर लॉकडाउन. या बट एवरी थिंग एल्स रिलेट्स टू साउथ, बट आई कैन नॉट ऑफिशियली अनाउंस एनी थिंग बिकॉज लॉकडाउन खत्म हो जाए तब तक मैं नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर सकती. तो अच्छा, आप ये बताइए कि अभी आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए, तो आप स्पेशल कैरेक्टर कौन सा था आपका? आई थिंक रोली का जो कैरेक्टर था ससुराल सिमर का में, वो काफी लंबा था. आई थिंक अच्छा. 5.5 साल एक कैरेक्टर को जीना इज वो रह जाता है आपके साथ कहीं पे. एंड मेरे लिए वो इसलिए स्पेशल था क्योंकि यू नो वो जो सेट पे इतने सारे लोग थे, 5.5 साल आप सेम चेहरे देख रहे हो, आप उनके साथ खाते पीते हो, मतलब इट्स लाइक एवरीथिंग, वो एक फैमिली बन जाती है.
एंड वो मेरे लिए हमेशा एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल रहेगा, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी एक सेट पे एक टीवी सीरियल के होना ये रेयर होता है. और हम लोग आई रिमेम्बर हर ब्रेक में हम सब साथ में होते थे, पूरा यूनिट साथ में खाता था. इट इज यू नो इतनी पॉजिटिविटी मिलना बहुत मुश्किल होता है, एंड आई थिंक ससुराल सिमर का आई ऑलवेज रिमेम्बर फॉर दैट. So that maybe the network issue. आई आई आपको आवाज आ नोटिस रही है? यस हाँ यस तो बहुत चैलेंजिंग था वो कैरेक्टर आपके लिए रोली का बहुत. हाँ, क्योंकि मैं 13 साल की थी शायद जब मैंने वो शुरू किया था, एंड उसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो बड़ा ही मैच्योर था, मतलब शादी वादी एंड वॉट एवर. सो या मुझे बड़ा प्ले करना था अपने अपने एज से, तो थोड़ा सा तो मुश्किल था, क्योंकि एक आनंदी में जो मैं प्ले कर रही थी वो मैं जैसे बात करती हूँ वैसे बात करती थी, और वो बहुत नेचुरल था, ऐसे ही सर हिला के बात करना बड़ा ही नॉर्मल था मेरे लिए, क्योंकि मैं अपना एज प्ले कर रही थी. सुरल सिमर का मैं वैसा नहीं था, मैं अपने से बहुत बड़ा एज प्ले कर रही थी, और एज एन एक्टर आई थिंक मैंने वो चैलेंज लिया था, एंड आई होप आई डिड जस्टिस टू इट. तो अगर अब जाते जाते आप फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लॉकडाउन है तो आप क्या एडवाइस देंगे? सबसे पहले तो प्लीज घर पे रहिए, जितना बाहर जाएंगे हम घर पे फंसे रहेंगे, सो प्लीज 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 घर पे रहिए, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है. एंड घर पे करने के लिए बहुत कुछ है, कीप योर सेल्फ बिजी, एंड आप सैड फील मत कीजिए, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो यू नो जिन्हें आदत होती है बाहर जाना, एंड दे आर फीलिंग कि यार हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे लाइफ में, बहुत कुछ है करने के लिए. कुछ नहीं तो जस्ट वर्कआउट, मे बी एक्स्ट्रा आवर्स अ डे, ईट हेल्दी, कीप योर सेल्फ हैप्पी, वॉच लॉट ऑफ मूवीज सीरीज. नाउ दैट यू हैव बालिका वधू, वॉच बालिका वधू, हैव फन, बी विथ योर फैमिली. एंड ऐसे जो मौके होते हैं वो आई डोंट थिंक फिर कभी आने वाला है, एंड आई रियली थिंक कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अभी आपको मौका भी मिल रहा है, सो प्लीज कर लीजिए. मैं बिल्कुल. अच्छा आप क्या करने वाली हैं जैसे ही लॉकडाउन खुलने वाला है? सबसे पहले तो थिएटर में जाके बड़े से टब के साथ, पॉपकॉर्न के टब के साथ मूवी देखूंगी कोई. थैंक ओके चलो आनंदी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यू, थैंक लाइव यू एंड सो ऑल द मच, बेस्ट फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स. और आप थैंक यू. ऐसी हंसते रहो और बिल्कुल वही आनंदी वाली क्यूटनेस ऐसी बरकरार रखो. थैंक सीरियसली सो यू, थैंक स्वीट. यू सो मच, थैंक चलो थैंक यू यू, एंड बाय, टेक बाय. केयर. हमारे साथ थी आनंदी अबिका गौर जिसको हम बालिका वधू में पहले भी देख चुके हैं और अभी दोबारा रीटेलीकास्ट भी हो रहा है बालिका वधू का. तो जिन लोगों ने पहले बालिका वधू नहीं देखा है वो जाके बालिका वधू देखे. और हम आपको बताते हैं कि अभी हम आप मेरे को देख रहे थे बॉलीवुड कलर पे. और अगर जिसने भी ये मिस किया है आनंदी से बातचीत का लाइव चैट, तो वो हमारे साथ 7 बजे फिर आनंदी आने वाली है हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज पर बॉलीवुड फैशन पर. तो जितने लोग उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो वो हमारे दूसरे वाले पेज को फॉलो करें और उस पर लाइव चैट कर सकते हैं 7 बजे. तो हम तब तक के लिए बाय और फिर मिलते हैं. कल फिर मिलूंगी मैं आपको किसी गेस्ट के साथ लाइव पर. और अभी के लिए बाय. और जितने लोगों ने मिस किया है वो बॉलीवुड टशन के पेज पर 7 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.